स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, कुत्ते हैं और बारिश भी हो रही है और हम चल रहे हैं समोसे खाने। और अपना आदर्श भी आ चुका है इसी बारिश में भीगते हुए। मतलब इस समय तो हल्का हल्का बारिश हो रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि चलो इसी बारिश में कुछ इंजॉय कर लिया जाए और खा लिया जाए, क्योंकि जो बारिश होता है उसमें खाने में मज़े ही कुछ और हैं। तो अभी आप लोग देख ही नहीं रहे होंगे क्योंकि मैं दिखा नहीं रहा हूँ बारिश कैसे हो रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भी हम लोग चलने का प्लान कर रहे हैं और इस समय हम लोग जा रहे हैं समोसे खाने, जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ के समोसे। और आपको दिखाते हैं वहाँ के समोसे। बरसात में समोसे खाने का मजा ही कुछ और है भाई। और 3 दिन के बाद शायद ब्लॉग आ रहा है मेरे चैनल पे। 3 दिन के लिए मैं गायब हो गया था क्योंकि 7 दिन रेगुलर ब्लॉगिंग करने के बाद थोड़ा चौड़ा महसूस कर रहा था मैं अपने आप को। और शायद सौरभ जोशी समझने लगे हैं। नहीं 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 रेगुलर ब्लॉगिंग चाहिए। और कैमरे पे थोड़ा हमको लग रहा है बूंदे नहीं पड़ रही हैं क्योंकि महंगा फोन है, वाटर प्रूफ है। और ये मेरे घर के सामने ही गली गई है, यहाँ से आप लोग घर आ सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मिलूँगा। और ये अरुण भैया का घर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अरुण भैया का घर है। अरुण भैया अंदर होंगे लेकिन हम लोग मिल नहीं रहे उनसे। आदर्श कुछ गुफ्तगु कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। काफी दिनों के बाद दिख रहे हैं भाई कैमरे पे, तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे तेरे बाप को मत सिखा चल। सो गाइस अभी हम लोग कह सकते हैं कि जो अपना मेन चैनल है बीके ग्रुप, उस पे वीडियो आने वाली है क्योंकि उस पे शूटिंग चल रही है। भाई अपना हेलो कर रहा है उधर से, तभी हम लोग शॉर्टकट लेते हैं, इधर से ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। इधर तो यार पानी भरा होगा ना। आगे से चलते हैं क्योंकि बारिश हो रहा है और इधर पानी भरा होगा, जो कि हम लोग को घुस के जाना होगा। हम जूते पहन के आए हैं, एक ही सांस में बोलने का एक्सपीरियंस बहुत है भाई। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। और एक एक खूबी है कि जब लकड़ी पे रंधा चलता है तो आ जाती च्याओ। तो ये बड़ा मजा आता है। अभी देखिए आप लोग सुनिएगा, 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों ने हटा लिया, वहां पे चला था रंधा अंदर। तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग को, एंजॉय करते रहिए। सो गाइस यार अभी हम लोग रुक चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बारिश थोड़ा हल्की सी तेज हो गई है जिसके कारण हम लोगों को रुकना पड़ा, अन्यथा हम लोग भीग जाते हैं। हिंदी देख रहे हैं लौंडे की। इतना शुद्ध तो हमने कॉलेज स्कूल में भी नहीं बोलते थे जितना आप लोगों से हम बात करते हैं। व्यतीत आप लोग आपके साथ समय व्यतीत करते हैं या, या। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी हिंदी कैसी थी, मजा आया। सो गाइस अभी और तेज हो चुका है, हम लोग दूसरी जगह आ गए, वहाँ से निकल चुके थे, फिर बारिश होने लगी बहुत ही तेज, फिर हम लोग रुक गए क्योंकि रुकना अपना काम है और दिखाना अपना काम है, आप लोगों का देखना काम, पूरी जानकारी देना। पल पल की अपडेट मिलेंगी वीके ग्रुप ब्लॉग्स पे, आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा बजाइए, प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे समोसे खाते हैं और हम लोग देख सकते हैं हल्के हल्के भी गए हम लोग कपड़े से, लेकिन कोई नहीं, समोसे खाने हैं, मिशन सक्सेसफुल करना है तो दिखा नहीं आप लोग। और उधर समोसे भाई गरम गरम निकाल रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि समोसे अभी तैयार हो रहे हैं और भाई के द्वारा, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, दिखा चुका हूँ उन लोगों को, लेकिन मैंने सोचा स्पेशली अब यहाँ का ही ब्लॉग बनाया जाए। तो अभी यहाँ पे थे सब ख़त्म हो गए हैं, तो अभी निकल लें तो ये भी हम लोग खाएंगे और आपको दिखाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं समोसे बहुत ही प्यारे निकल रहे हैं और निकल भी चुके हैं और अभी हम लोग लेंगे और इधर अगला छनने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे जो समोसे निकलते हैं तुरंत ही बिक जाते हैं और भीड़ भी देख सकते हैं आप लोग भाई लोग के द्वारा। सो गाइस यार एक
लफड़ा हो गया, हम लोग समोसे ला रहे थे स्टेशन पे, हमने सोचा बैठ के खाएंगे, वहाँ पे बंदरों ने छीन लिया है वो खा रहे हैं, आपको बैकग्राउंड से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये सब खा रहे हैं समोसे हम लोगों के, वहाँ पे लिफाफा है, सब छीन के खा गए हम लोग, और ये एक समोसा हमारा गिरा जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है, एक एक समोसे हम लोग खा पाए थे ये आदर्श एकदम डूब गया है कि अरे समोसे मिले ही नहीं, और भाई भी बैठा है साथ में क्योंकि इनसे पंगा मत लो तभी सही रहेगा। उसी गली से हम लोग आए थे, सोचा यहीं पे बैठ के खाएंगे यहाँ पे, और सब छिन गया, ये खराब हुआ हम लोगों के साथ, और ये ऊपर बैठ के ये सब खा रहे हैं, देखिए आप लोग, इट्स पार्टी टाइम ब्रो। तो आप लोगों को एडवाइस यही दूंगा कि आप लोग आए तो उधर ही खा लें, यहाँ पे ना खाएं। सो गाइस अभी हम लोगों को बंदरों ने दौड़ा लिया बहुत ही तेज, मेरी धड़कन ऐसे, वहाँ पे छोटा लड़का था, उसने एक छोटा सा बच्चा था बंदर का, उसको बदतमीजी उसके साथ कर दी, और पूरी सेना हम लोगों पे टूट पड़ी और हम लोग भागते हुए इधर आ गए, मतलब समोसे तो चले ही गए, साथ में काट भी लेता। बहुत आज का दिन खराब था शायद, आई होप आप लोगों ने मजा किया हो ब्लॉग को देखकर, बहुत ही हालत खराब हो गई भाई साहब, दिल की मतलब तेज हो गई एकदम, बिल्कुल इतने बड़े बड़े बंदर थे, सबके सब ने दौड़ा लिया, वहाँ वहीं पर हम लोग पीछे बैठे थे, और अभी भागते ही भागते आ रहे हैं। दिन खराब था ब्रो, मौत को छुके टक से वापस आ गया मौत को छुके टक से वापस आ गया, लेकिन ऐसा ब्लॉगिंग दोबारा नहीं करने आना है भीगी बारिश में, से समा लेना चाहेंगे लेकिन हमने सोचा कि ब्लॉग शुरू करें, और क्या से क्या हो गया आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हैं, सो देखते रहिए, अभी आगे भी कुछ हो सकता है, हमें लग रहा है मतलब बारिश हल्की हल्की हो रही, बाल वो सब बिगड़ गए, वैसे भी लुक बना के आए थे गजनी वाला, कृपया करके बंदरों की उंगली ना करें। हाँ मतलब हम लोगों ने उंगली वैसे भी नहीं की, क्योंकि छोटे लड़के की गलती थी बस, वहाँ पे अपलस हम लोग जब समोसे लेके वहाँ पे गए तो एक बड़ा सा बंदर आया, वो ऐसे घूरता हुआ इसकी तरफ जा रहा था, क्योंकि समोसे आदर्श के पास थे, और हम लोग मतलब हमको इसने आगे कर दिया, वो मेरे पे नहीं आ रहा, इसके पे जा रहा है ऐसे पीछे पीछे इसने डर के समोसे पूरे फेंक दिए, तो कुछ ना कहा उसने, लेकिन जब उस छोटे लड़के ने उंगली की बस वहाँ पे सब लोग गायब हो गए तुरंत, मुझे किसी की बदतमीजी पसंद नहीं तो चलिए आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया है, हमने भी अच्छा लगा कि आपने अच्छा लगा है ब्लॉग, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, चैनल को फैला दो, मिलते हैं, कृपया करके उंगली ना करें बस, न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा, घर में खाओ आटा, मैं अपना डायलॉग भी भूल गया, लखनऊ वाला टैगलाइन है, हाँ बाय बाय।